दोस्तों, इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं रोड के इस लेवल एयर 2 माइक्रोफोन की। ये जो माइक्रोफोन है मैंने अमेजोन से मंगाया हुआ है, तो इस वीडियो में हम इसी माइक्रोफोन को टेस्ट करेंगे किस तरीके से ऑडियो क्वालिटी है और इस बॉक्स में क्या क्या आता है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि मैं रोड का वायरलेस गोर जो कि अभी कैमरे से लगा हुआ है, इस ट्रांसमीटर को यूज़ करता हूं वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए। इसके लिए ये जो डिवाइस आप देख रहे हैं, ये थोड़ा सा कपड़ों में वेयर करने में प्रॉब्लम होती है। हालांकि इसके अंदर बिल्ट इन माइक्रोफोन होता है, वो भी अच्छी क्वालिटी ऑडियो प्रोवाइड करता है, लेकिन होता ये है कि अगर हम क्लॉथस में वेयर करना चाहें तो वो हम इसको इजीली नहीं कर सकते हैं। ये ऊपर तरफ उभरा सा दिखाई देता रहता है क्योंकि इसमें ट्रांसमीटर है। इसमें भी वैसे माइक्रोफोन दिया गया, इसके थ्रू रिकॉर्डिंग हो जाती है, लेकिन मेरे पास में लेवल एयर जो माइक्रोफोन था वो भी मेरे पास पहले से था। मैंने इसके साथ ही मंगवाया था जो कि मैं 2 साल से इसको यूज़ कर रहा हूँ। इसके साथ ही मैं आप माइक को दिखाऊँ, ये जो माइक्रोफोन है ये मैंने मंगवाया हुआ था, और ये जो माइक्रोफोन है ये पिछले 2 दिन पहले ये ख़राब हो चुका है। पूरी तरीके से ख़राब नहीं हुआ है, इसमें हुआ यूँ है कि ये जो जैक है ये यहाँ से कुछ मूव हो गया, कुर्सी पे फंस करके जो है यहाँ से खिंच गया था, इसकी वजह से ख़राब गया है। हालांकि ये इलेक्ट्रिशियन ने बताया है इसको हम रिपेयर कर देंगे तो उसको दिखा लेंगे, लेकिन हम रिस्क नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि सबसे मेन ज़रूरी होता है टाइम। कोई भी वीडियो आप रिकॉर्ड कर रहे हो, रिकॉर्ड करते वक्त ऑडियो रिकॉर्ड ना हो तो दोबारा से मेहनत करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, तो इसीलिए मैंने रिस्क नहीं लिया है। और ये जो है लेवल एयर 2 मैंने मंगवाया हुआ है कि अगर पैकेजिंग आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके का बॉक्स आप सभी को दिया जाता है। तो बॉक्स के ऊपर आप सभी लोग देखेंगे इतनी 3.5 mm जैक इसमें आप सभी को मिलता है। अगर आप स्मार्टफोन में कनेक्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आप सभी को एक एडाप्टर जैक खरीदना पड़ता है। और ये जो है माइक्रोफोन प्रोफेशनल ऑडियो क्वालिटी आप सभी को देने वाला है। कुछ इस तरीके से अपने क्लॉथेस में आप इसे वेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे लेवल एयर 2 माइक्रोफोन है, और ये ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है जिसने इसे बनाया हुआ है। ये इंडिया में इम्पोर्ट किया गया है, बॉक्स पे मेंशन किया गया है, और यहाँ पर कुछ इस तरीके से बॉक्स की पैकेजिंग आपको मिलती है। तो सबसे पहले तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। तो काफ़ी हार्ड पैकेजिंग है, अगर हम इसको काट रहे थे तो बहुत मुश्किल हो रहा था। पैकेजिंग काफ़ी गजब की हुई है, और कुछ इस तरीके का बॉक्स आप सभी को इसके अंदर मिलता है। ये इस बॉक्स के अंदर ही हमारा माइक्रोफोन है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, खाली हो चुका है, तो हम इसे साइड रख देते हैं। तो आप देखोगे बॉक्स के अंदर कुछ इस तरीके से आप सभी का जो माइक्रोफोन है वो रखा हुआ है। इसके अंदर ये है पहला आपका माइक्रोफोन, मैं निकाल के दिखा देता हूँ क्या क्या इसके अंदर आता है। तो ये है आपका माइक्रोफोन पहले से उसका, जो अगर मैं माइक्रोफोन की बात करूँ लेवल एयर जो फर्स्ट था, तो इसकी मैं यहाँ पर निकालूँ तो ये माइक्रोफोन आप देखोगे कितना छोटा सा पहले होता था, और अब जा करके माइक्रोफोन का जो साइज है वो काफ़ी इंक्रीज हो चुका है। और इसमें पहले जो रिकॉर्डिंग होती थी वो टॉप लेवल से होती थी, लेकिन इसमें अब क्या किया गया है कि बैक की तरफ इसका जो होल है वो बंद हो चुका है, इसमें अब फ्रंट रिकॉर्डिंग होती है, जिससे कि क्या है कि क्लॉथस में अगर आपका माइक्रोफोन कहीं टच होता है तो उससे जो रगड़ महसूस होती है, जो ऑडियो में खड़खड़ाहट की आवाज़ आती है, तो वो इस माइक्रोफोन में नहीं आएगी। और इसमें बताया जा रहा है कि आप इसको पॉडकास्ट वगैरह भी शूट कर सकते हो इस माइक्रोफोन की मदद से, स्टूडियो क्वालिटी ऑडियो इसमें मिलने वाली है। तो देखेंगे, अभी टेस्ट करेंगे क्या होता है। तो ये मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। इसका जो जैक है माइक्रोफोन का, तो ये जैक आप देखोगे ये टाइट करने के लिए इसमें ऑप्शन दिया गया है, तो काफ़ी अच्छा कनेक्टर दिया गया है। और ये है सिलिकॉन जेल, इसको भी हम साइड रखते हैं। और ये है एक यूज़र मैनुअल जो कि वैसे कोई पढ़ने वाला नहीं है लेकिन दिया गया है। इसके अंदर भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि ये माइक के ऊपर जो लगेगा वो पॉप फिल्टर इसमें दिया गया है। इसी के साथ में यहाँ पर कुछ कलर ग्रेडिंग के ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें कि माइक अगर कई सारी अगर आप यूज़ करते हैं तो उसमें आप अपना कलर ये जो है लगा सकते हैं कि फर्स्ट सेकेंड कौन सा माइक है, आप पहचान के लिए माइक के ऊपर अपना सिंबल लगा सकते हैं। इसी के साथ में ये आपका स्टैंड है जिस पर आप माइक को लगाएंगे, तो ये भी मैं यहाँ पर रख देता हूँ। और इसी के साथ में ये देखो इसको फुरी क्या बोलते हैं यार, ये एक दिया गया है जिसमें कि अगर आप आउटडोर शूट कर रहे हो, फैन वगैरह चल रहा है या फिर ज़्यादा विंड चल रही है, तो उस जगह पर आप इसको यूज़ कर सकते हो, जिससे कि नॉइस वहाँ पर बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं होगी, हवा का जो साउंड होता है वो रिकॉर्ड इसमें नहीं होगा। इसी के साथ में एक वारंटी कार्ड दिया गया है, जो कि बताया गया है कि वारंटी को आप सभी को रजिस्टर करना होगा, आप सभी को यहाँ पर सीरियल नंबर इस पर प्रिंट है, ये सीरियल नंबर आपको फिल करेंगे तो वहाँ पर आप सभी लोग इस वारंटी को क्लेम कर पाएंगे। तो केस मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बाकी माइक
थोड़ा सा मुझे लग रहा है इसकी जो प्राइजिंग रखी है, पहले का जो माइक्रोफोन था उससे इसकी जो प्राइजिंग है काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। पहले अगर हम माइक जो हमने परचेज़ किया था वो 6500 रुपीज़ का मिला था, लेकिन ये 9500 रुपीज़ का मुझे माइक मिला है। तो प्राइज में अगर मैं देखूँ तो लेवलियर 2 माइक्रोफोन वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। इतने में तो रोड के कई सारे जो है अन्य माइक आ जाते हैं, लेकिन हर चीज़ की ज़रूरत होती है। अब मुझे एक छोटा सा माइक चाहिए था जो कि कहीं पर भी हम वेयर कर सकें, तो इसलिए मुझे ये माइक लेना पड़ा। बाकी मैंने इसके बाद में भी एक माइक मंगाया है जो कि USB माइक है, जिसमें कि मैं पॉडकास्ट के शूट करने के लिए वो भी माइक ले रहा हूँ। इसकी ऑडियो सैंपल मैं अभी लगा दूंगा, क्लिप आप उसमें देख पाओगे। तो बस दोस्तों, आज के इस वीडियो में यही आप सभी को माइक्रोफोन दिखाना था। तो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसे परचेज करना तो चाहो तो अमेजोन का जो लिंक है मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप इसे परचेज कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में हम DJI की इस OM5 गिम्बल की अनबॉक्सिंग देखने वाले हैं। और ये जो गिम्बल है मैंने परचेस किया है अपने ब्लॉग वीडियो को शूट करने के लिए, अपने ब्लॉग चैनल पर आप सभी को अच्छा अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए। इस गिम्बल से आप सभी को स्टेबल वीडियो मिलेगी, साथ ही में मुझे भी रिकॉर्ड करने में वीडियो को काफ़ी आसानी होगी। इसमें कई सारे ऐसे फीचर्स दिए गए हैं जिसमें कि कैमरे को हम इजिली एक्सेस कर सकते हैं।